पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चहेते सुपरस्टार्स अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें हमें बता चुके हैं, लेकिन कुछ बातें जरा छिपी सी रहती हैं, दबी सी रहती हैं, उन्हीं पे हम नजर डालते हैं और अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी कि असरानी साहब के जीवन में जरा झांकते हैं। फिर हवा भर गई, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़, अरे पकड़, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ दे छोड़ दे, छप्पर फाड़ के मिलेगा। नहीं मुझे छोड़ो मत, मैं उड़ रहा हूँ। आपको क्या हुआ है भैया? को तो भांग चढ़ गई है, तुम्हें क्या भूत चढ़ा है तो चला रहे हो? अरे इन सबको मैंने पिला दिए, ये सब मेरे साथ उड़ेंगे। इन्हीं की चटनी काट लो। जा उसको भी जाके चटा के। किसको? चंदर का नाम क्या? जा चंदर का नाम पूछ गया, उसको भी चटा दे। फिर हवा भर गई, पकड़ पकड़, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। असरानी ये कमाल के अभिनेता तो हैं ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहले बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया करते थे जयपुर ऑल इंडिया रेडियो के लिए, ताकि ये अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा सके। एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए चले आए थे मुंबई, उस वक्त बंबई कहा जाता था। काम वाम मिल नहीं रहा था, अचानक इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से। ये दो दिग्गज कलाकारों से इनकी मुलाकात हुई और इन दोनों ने ही कहा कि बेटा एक्टिंग ठीक से सीख लो। और तब असरानी पहुंचे फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे यानी कि FTII। वहाँ पे एक्टिंग ही नहीं सीखी, सिर्फ बतौर इंस्ट्रक्टर काम करने लगे, बतौर ड्रामा टीचर भी इन्होंने काम किया। हाँ, इनकी क्लास में इनकी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, नाम जया बहादुरी, जो आगे जाकर बहुत बड़ी स्टार बनी। और असरानी साहब ने भी कमाल का ही काम किया। ये बातें जरा छिपी सी थी, मौका मिला तो आपके साथ बांट ली, सिर्फ और सिर्फ पीपल एंड हिस्ट्री पर। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।